बैक टू माई चैनल। आज हम जा रहे हैं मणिपाल क्योंकि वहाँ पे एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का मीटअप है 5 बजे, तो अभी वहीं पर जा रहे हैं हम। दो बाइक, मेरा फ्रेंड फरहान उनके RS बाइक में 200 में आएंगे और मैं मेरे KTM में, और हमारे पीछे बिलाल और सलीम भाई होंगे हमारे साथ। तो चलो वहाँ जाते हैं और आपको मीटअप दिखाते हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं, मेरे घर से निकले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मैं है ना उचिला में हूं अभी, मेरे दोस्त को सलीम भाई को पिक कर लिया है मैंने, वो एज अ पिलियन मेरे पीछे बैठे हैं। तो बाकी दोनों आगे जा चुके हैं बाइक में RS में, तो चलो हम चलते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश है, मेरा जैकेट भी मैंने नहीं पहना है, थोड़ा बहुत गीला हो रहा है कि चलता है फिर भी। चलो चलेंगे उधर, बारिश में बिना जैकेट और रेन गियर के चलाना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम कैसे भी करके थोड़ा आगे तक पहुंच चुके हैं अभी। तो यहाँ पर थोड़ा बारिश कम है, बारिश है नहीं बोलूँगा मैं, फिर भी थोड़ी बहुत है। पर बारिश में मैं आप लोग को एक ही सजेस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा धीरे चलाइए और संभल के चलाइए, क्योंकि बारिश में स्लिप होने के चांसेस बहुत रहते हैं गाड़ी का। अभी के गाड़ी में तो ABS रहता है, फिर भी स्लिप होने के चांसेस तो रहते हैं। हमारी गाड़ी नहीं तो आगे वाली की गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो संभल के चलाइए, स्टे सेफ एंड राइड सेफ। तो हमें निकलते हुए थोड़ा बहुत लेट हो चुका था, इसलिए RS में फरहान और बिलाल पहले निकल चुके हैं, तो हम लोग को कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ज़्यादा स्पीड जाने से थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि रोड पहले से भी गीला है और रिस्की भी हो जाता है कभी कभी। तो हम लोग मोस्टली होके धीरे से ही चलाएंगे और धीरे से ही वहीं पर पहुँचेंगे, क्योंकि हमें आराम से जाके सेफली पहुँचना है, इसलिए कोई टेंशन नहीं चाहिए, आराम से जाएंगे और आराम से पहुँच जाएंगे हम लोग इधर। इधर जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं वो प्लेस में बहुत ज़्यादा बारिश थी, उचिल पडवित्री साइड पे। अभी जिस तरफ हम आगे उड़पी मणिपाल साइड जा रहे हैं, थोड़ा बारिश और कम कम हो रही है, और वहाँ जाके देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा है, मीटअप के पास कैसा चल रहा है और क्या हो रहा है, वैसे देखिए कितना बारिश आ रहा है उधर। अभी तो 5 बजे है और हम पहले ही लेट हो चुके हैं, 4:50 कुछ हो चुके हैं अभी, तो हम लोग को थोड़ा स्पीड चलाना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा मत करना जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग आराम से राइड कीजिए और सेफ राइड कीजिए। कभी कभी यहाँ आगे ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, अगर वो लोग रहे ना फिर टेंशन यार, वो लोग रुकाएंगे, फिर पेपर दिखाओ, फिर 10-15 मिनट वो लोग लेंगे, उसके बाद में वो भी 10-15 मिनट में हो गया तो हो गया, नहीं तो वो लोग दूसरों को रुकाते रुकाते हम लोग का करने में 1-1.5 घंटा निकल जाएगा, फिर लेट हो जाएगा। तो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं इधर। बहुत ट्रैफिक ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है, अभी ओपन दिख रहा है, कोई रुका नहीं रहा है, देखते हैं क्या है इधर। स्लो करते हैं गाड़ी, उधर से खड़ा है मामू पर नहीं रुका नहीं रहा है, रुका नहीं रहा, तो चलो रुका नहीं रहा, आराम से पास हो गए हम लोग, टेंशन नहीं, टेंशन फ्री। फाइनली उड़पी पहुंचते ही हम लोग को फरहान और बिलाल मिल चुके हैं, तो चलो उनके साथ ही अभी चलते हैं मीटअप में। ऊपर चढ़ाने का यार, मैं पुलिस वाले देखे तो हुआ, हेलो ऊपर चढ़ाई नीचे उतरने जगह रहे तो प्रॉब्लम रे भी। पल्लू उतर अरे यूट्यूब में देखो फाइन बढ़ा दी तो बस कर बस तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं ब्लैक कप्स के सामने, होने वाला है मीटअप, तो चलो उधर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है।
तो हम लोग इधर फरहान और वो पीछे रह चुके हैं, इनके लिए थोड़ा वेट करेंगे इधर, क्या वो लोग आने दो, साथ में ही चलते हैं। साथ में जाने का मज़ा अलग है अकेले के लिए जाने से। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अरे साले वो छोड़ के ही चला गया। चलो आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा और आगे जाना है तो आगे जाके देखते कितना आदमी आया है और कितना नहीं है। ज़्यादा है या मीडियम है बल्कि। चलो मणिपाल तो पहुँच चुके, ब्लैक कैब्स हैं इधर ही, इधर ही, इधर ही। आदमी तो दिख रहा है पर ज़्यादा नहीं है, कम आदमी है। बहुत आदमी है, बहुत आदमी है। अभी भी शुरू हुआ है ना, तो इधर साइड में तो हम लोग आगे पार्किंग करके जाके वहाँ से वापस आके आपसे मिलेंगे और जो भी बातचीत होगा वो वहाँ पर जाके आपको दिखाएँगे। ओके चलो। हम लोग पहुंच चुके हैं मणिपाल। अभी क्या इन्फ्लुएंसर का नाम क्या है? सुहेल रसूल। तो उधर जाके हम लोग उनसे मिलेंगे और थोड़ा देखेंगे कैसा जाता है मीटअप, कैसा रहता है। पहली बार आ रहे हैं मीटअप में तो देखेंगे। बादशाह का बेटा ही बादशाह बनने का सोच के रहेंगे तो हम लोग उधर ही रहेंगे। तो आप लोगों में टैलेंट है तो आगे बढ़ो और एक दूसरे को सपोर्ट करो। अरे हम लोग यहीं रहेंगे, वो लोग जो बाहर में टैलेंट है। आवाज़ उठा रहा हूँ आज। टुडे वी आर सो स्ट्रॉन्ग कि कोई भी वीडियो डालते हैं तो वीडियो वायरल हो जाता है। कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी लिटिगेशन हो, कोई भी हादसा हो, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक वीडियो डाल देता हूँ तो ऑल ओवर इंडिया वायरल हो जाता है। भाई बिकॉज यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड, आप लोग पीछे नहीं होते तो मैं कितना भी वीडियो बना लूँ 60-70 व्यूज आते हैं ना। यू ऑल आर सपोर्टिंग, यू ऑल आर ग्रोइंग। भाई ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करो, इंशाल्लाह विल ऑल डू गुड। तो भाई को सपोर्ट करना जरूर, हाँ एक दूसरे को भी करना। जो भी हमारा आदमी आगे बढ़ा करेगा, जो भी हमारा आदमी आगे बढ़ा करेगा, चाय का दुकान रहने दो, सोशल मीडिया रहने दो, छोटा है 5-10 का नहीं होता, हमारा आदमी है। जो भी छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करो, टू गाइस ग्रो, उनका भी घर चलेगा, आपका भी दुआ मिलेगी। आप उनको सपोर्ट करेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आवाज आपकी ऊंची करो। वालेकुम अस्सलाम। आई भाई वीडियोस बना रहे, यूट्यूब पे व्लॉग्स बना रहे, सपोर्ट करो भाई को, सब्सक्राइब करो। मैं भी सब्सक्राइब करता हूँ भाई आपका वीडियो चैनल, जितने भी पैसे आते 10% मुझे दे दो। जरूर जरूर इंशाल्लाह। भाई को सपोर्ट करना, भाई को सब्सक्राइब करना और वीडियो लिंक लेके व्हाट्सएप पे शेयर करना, हर जगह शेयर करना, भाई के सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और आगे बढ़ना। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, जज़ाकअल्लाह खैर। वी हैड अ नाइस मीटअप, आज हम लोग मिले इधर पे उडुपी में, वी हैड अ ग्रेट टाइम अलहमदुलिल्लाह भाई। चलो अच्छा लगा है भाई से मिलके, जज़ाकअल्लाह। पूरा वीडियो बनाया घुमा लगे नहीं जान दे। ए तंबू
सफल हो जाते हैं। सेट रे वालो सेट वीडियो रे अरे इसने भी रिकॉर्ड पूरा कहाँ जाने का तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब कमेंट। तो गाइस कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, हमारे सुहेल रसूल भाई कैसे लगे बात करते हुए पब्लिकली। और तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग, और चलो बाय बाय, मिलते हैं। फिर से वापस इधर नरवण मार्ग को।